तो मैं एक्चुअली इस डिस्कशन को आगे लेते हुए जानना चाहूंगी कि हम जब ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में बोलते हैं, यू नो देयर इज अ नीड टू यूज मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हाट डू यू थिंक, यू नो व्हाट आर द बेनिफिट्स इट हैज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इसका जो है क्या उनको इससे लाभ प्राप्त होता है, एंड ऑल्सो हाउ डज इट इम्पैक्ट द एंटायर स्कूलिंग प्रोसेस, वो स्कूलिंग प्रोसेस को क्या बदलने में, डेमोक्रेटाइज करने में मदद करती है क्या? तो अगर आप अपने अनुभव से और जो आपने बेहतरीन काम किया है फील्ड में, उससे अगर हम कुछ आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रीटा। और आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा यू नो मदर टंग दिवस मना रहे हैं, अभी जो उन्नति टीम ने प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करते समय जो हमारे चेहरे थे, जो उनके चेहरे थे, जो उसकी रोशनी चमक रही थी, यू नो वो भी एक मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोडक्शन में रीटा आपने कहा था कि यू नो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में जो मेरा अपना इंटरेस्ट है वो आइडेंटिटीज और यू नो एक मल्टीकल्चरल उससे आता है। उससे कहीं ज्यादा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड मदर टंग बेस्ड एजुकेशन के प्रति जो एक इंटरेस्ट है, पैशन है, यू नो व्हाट इज आइडेंटिटीज हैं, राइट? उन आइडेंटिटीज में वो ऐसा क्या है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करते हैं? और यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स जो मेरे लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के समर्थन में आने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। यू नो अगर मैं यहां से शुरू करती हूँ कि एक क्लासरूम में यू नो हम बात करते हैं कि एजुकेशन एक मुक्ति का टूल है, राइट? इफ एजुकेशन रियली इज अ टूल फॉर लिबरेशन, इफ एजुकेशन इज अ टूल दैट कैन हेल्प ऑल ऑफ अस मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, राइट? इट कैन इंश्योर सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी, इट कैन इंश्योर अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि राइट टू लाइफ का राइट टू लाइफ विदाउट डिग्निटी के बिना कोई मतलब नहीं है, राइट? सो एजुकेशन इज वॉट इनेबल्स अस टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो अगर हम एजुकेशन को इस स्वरूप में देखते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एजुकेशन के अंदर सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, बराबरी हो और डेमोक्रेसी हो। अगर एक क्लास में कुछ बच्चे बेहतर सिर्फ इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा का प्रयोग हो रहा है, और कुछ बच्चे उस क्लास में चुप रह जा रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके समझने की क्षमता में कोई कमी है, पर केवल इसलिए कि जिस भाषा में टीचर बात कर रही है, समझा रही है, वो उनकी भाषा नहीं है, तो यहाँ पे हमने शिक्षा का फाउंडेशन ही गैर बराबरी में स्थापित कर दिया है, राइट? और ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत यू नो ये जो हम बात करते हैं आज कि मेरिट कैसे प्रोड्यूस होता है, अपने ऊपर अपने मेरिट अपनी क्षमता पे कॉन्फिडेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, वो इन्हीं प्रोसेसेस से प्रोड्यूस होता है। जब क्लास में एक बच्चा कोई चीज सिर्फ इसलिए समझ पाता है क्योंकि टीचर उसकी भाषा में उसके उदाहरण लेकर उसको समझा रही है, और एक बच्चा इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि उसकी भाषा और उसके उदाहरण नहीं है, उस लाइफ स्टेज पे देखिए बच्चा बहुत छोटा है इसको ये समझने के लिए कि ये जो गैर बराबरी है, ये जो अंतर है दोनों के समझ में, ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से है, राइट? अ चाइल्ड कैन नॉट रीजन इट बाय सेइंग दैट यू नो ही इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज देर आर सिस्टमिक इश्यूज, देर आर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस विच आर अनइक्वल। For a child of that age, what is more likely to happen is to internalize this, where a child whose language matches the language of the school is likely to believe that it is my merit that I can understand it easily, and the child whose language is different from the language of the school is likely to internalize it as
you know, the child's own incapability of making sense, right? और ये एक बहुत बहुत बड़ा consequence है बच्चों की भाषा को क्लास में नहीं शामिल करने का. मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मैंने जो आपने अभी एक जर्मनी में एक एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की थी जिसका मैं हिस्सा थी. वहां पे मैं जर्मनी में बाइलिंगुअल स्कूल्स मल्टीलिंगुअल स्कूल्स के को समझने की कोशिश कर रही थी, जहां पे मेरी मुलाकात एक टर्किश लड़की से हुई जो जर्मनी में पढ़ती है. वो पहले जर्मन मीडियम स्कूल में थी और अब वो बाइलिंगुअल स्कूल में थी जिसमें इंग्लिश और जर्मन दोनों मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है. और जब मैंने उसको पूछा कि आपको कौन सा स्कूल बेहतर लगता है, तो वो बोली बाइलिंगुअल. एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई बाइलिंगुअल, बिकॉज नीदर ऑफ द टू आर हर मदर टंग्स. यू नो, शी इज अ टर्किश इमिग्रेंट टू जर्मनी. ना जर्मन उनकी मातृभाषा थी, ना अंग्रेजी उनकी मातृभाषा थी. और उनका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है. उन्होंने कहा कि जर्मन क्लास, जब मैं जर्मन मीडियम स्कूल में जाती थी और मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था कि मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ हूँ. अब जब मैं इंग्लिश, जब इंग्लिश में क्लास चलती है और जर्मन स्टूडेंट्स भी समझने में उनको दिक्कत आती है, तो मेरे को पता है कि दिक्कत मेरे में नहीं है. यू नो, दिस एक्सपीरियंस वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर हर टू रियलाइज दैट द प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन हर एबिलिटीज बट इन द पॉलिसीज ऑफ द स्कूल. और जहां तक हम स्कूल में बच्चों की भाषा की बात कर रहे हैं, देखिए भाषा हमारे कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं. यू नो, अगर हम कॉन्सेप्ट्स को समझना, उनको रटना नहीं मानते, राइट, तो कॉन्सेप्ट की समझ बनाने के लिए बच्चे से संवाद जरूरी है, राइट. अगर मैं बच्चे को कोई भी चीज समझाना चाहती हूँ, तो उसके लिए जरूरी होगा कि मैं बच्चे के परिवेश से कुछ उदाहरण लूं, बच्चे से उनके बारे में बात करने को बोलूं, और फिर उसको जो हमारा एकेडमिक नॉलेज है उससे रिलेट करूं, ताकि वो दोनों के बीच में एक रिश्ता स्थापित कर पाए. अगर बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाएगा, उसके एक्सपीरियंसेस को क्लासेस में शेयर नहीं कर पाएगा, तो ये लिंक जो हमारे एवरीडे नॉलेज और हमारे एकेडमिक नॉलेज के बीच में होता है, देन द ओनली वे दैट लिंक कैन बी एस्टैब्लिश्ड इज थ्रू रोट मेमोराइजेशन, व्हिच इज नॉट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. और एक बच्चा सवाल पूछ पाए, अपने उदाहरण ला पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लास की भाषा वो भाषा हो जिसमें बच्चा सवाल पूछने के लिए और अपने रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण लाने के लिए कंफर्टेबल फील कर सके. यू नो, एक भाषा पहले हमारे बोलचाल की भाषा बनती है, उसके बाद हमारे सोच की भाषा बनती है. जब हम बच्चों पे भाषा थोपते हैं, तो हम उनको उस भाषा में सोचने पर विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, जिस भाषा में वो बोल भी नहीं सकते हैं, राइट. सो दिस इज एक्चुअली इनजस्टिस, दिस इज क्रिमिनल टू डू टू अ चाइल्ड, राइट. टू फोर, यू नो, इफ अगर मैं अभी सडनली जो मैं अपनी बात कह रही वो अपनी मातृभाषा कांगड़ी में कहना शुरू कर दूं, तो आप सबके लिए मुश्किल होगा. हम बड़े हैं, हम भाषाओं के बीच में सिमिलैरिटीज जानते हैं. मैं हिमाचल में रह के, क्योंकि मैंने उड़ीसा में काम किया है, वहां पे पढ़ाया है, एंड क्योंकि हिंदी उड़ीसा में, देर आर सम सिमिलैरिटीज, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट. अ लिटिल टू फोर ईयर ओल्ड, सिक्स ईयर ओल्ड हू इज एंटरिंग द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कैन नॉट डू दैट, राइट. देन व्हाट आर वी टेलिंग? वी आर मेकिंग चिल्ड्रन पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. This is not education, right? To make them, वो घड़े नहीं है ना जिनको हम बस भरते जाएंगे और इस तरीके से भरते जाएंगे कि उनको खुद नहीं पता कि उनमें क्या भरा जा रहा है. ये एक important चीज है, क्यों बच्चों की भाषाओं को school में शामिल करना इतना जरूरी है. Because a denial of education, a denial of education in their language is actually denial of education. If we understand education to be more than just memorizing and accumulating information. The other thing is, you know, that knowledge, you know, hum jin theories ko padhte hain, main social science ki student hoon, social science mein aap psychology, sociology, aap matlab Freud ka theory le lijiye, Vygotsky ka theory le lijiye, Foucault ke kaam le lijiye,
इनमें से कोई काम अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था। अगर नॉलेज, ये सारे काम जो हम तक पहुंचे हैं, यू नो नॉलेज का अगर प्रोडक्शन अंग्रेजी में नहीं हुआ है तो नॉलेज का एक्सेस क्यों इंग्लिश डिटरमिन करेगा। जहां पे भी यू नो हम अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, रीटा आप भी बहुत अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, जब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं यू विल फाइंड दैट पीपल आर एक्चुअली डूइंग रिसर्च इन देयर ओन लैंग्वेजेस। द लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, क्योंकि तब वो अपने रिजल्ट्स बाकी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च उनके लैंग्वेज में हो रहा है। क्योंकि देखिए, रिसर्च के सवाल आपके एक्सपीरियंस से निकलते हैं, राइट? और जिस भाषा में आप अपने एक्सपीरियंसेस को जीते हैं, सबसे बढ़िया रिसर्च क्वेश्चंस के सवाल आप उसी भाषा में बना पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं कि समाज में बराबरी नहीं है और कुछ ग्रुप्स का नॉलेज सबका नॉलेज बन जाता है, तो उसको चैलेंज करने के लिए भी जरूरी है कि नॉलेज जिन थ्योरी से बनता है और थ्योरीज जिन रिसर्च से निकलते हैं, उन रिसर्च के सवाल भी सभी भाषाओं में पूछे जाएं, राइट? जब तक सवाल पूछने का, नॉलेज में सवाल पूछने का हक हम कुछ भाषाओं तक केंद्रित कर देंगे, देन आर लैंग्वेज, देन आर नॉलेज विल ऑलवेज बी द नॉलेज ऑफ द पावरफुल, ऑफ द हेजेमोनिक, राइट? आर एक्सेस टू नॉलेज विल बी एक्सक्लूसिव। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारे सोशल साइंसेस, हमारे साइंसेस सबकी, किसी एक ग्रुप की नहीं, सबकी जिंदगी पर प्रभाव डाले और सबकी जिंदगी, सबकी सच्चाइयों को रिफ्लेक्ट करे, तो वो सवाल सबसे आने चाहिए। और सवाल सबसे तब आएंगे जब हम सवालों का पूछना किसी एक लैंग्वेज में बाध्य नहीं करेंगे। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, क्योंकि थॉट लैंग्वेज में होता है। अगर मैं अभी किसी से भी कहूँ कि प्लीज ट्राई टू, आप बिना भाषा का प्रयोग करके सोचिए, तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हम जब सोचना ही भाषा में है, तो किसी को कहना कि अपनी भाषा को सोचने में मत यूज करो, उसको सोचने से रोकने के बराबर है। So these reasons make it extremely important कि हम शुरू से आखिर तक सबकी भाषाओं को साथ लेकर चले, क्योंकि बिना भाषा के आप समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और कोई क्यों, कौन डिसाइड करेगा कि मेरी भाषा में सब पढ़े लेकिन उनकी भाषा में मैं नहीं पढ़ूंगी? तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एक्चुअली इज नॉट जस्ट फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। Multilingual education has to be a language, you know, education for all, ताकि मेरे को, you know, मैं जो सोचती हूँ कि मेरा समझ आसान है, मेरा समझ आसान इसलिए है क्योंकि स्कूल में मेरी भाषा का प्रयोग होता था, मुझे भी तो वो एहसास होना चाहिए ना कि अगर मेरे को थोड़ी देर किसी और की भाषा में पढ़ना पड़े तो मेरे को भी दिक्कत होगी। That is how empathy will be encouraged. There in a class, अगर multilingual education class है, हर बच्चे को दोनों experiences हो रहे हैं कि कब मेरे लिए कुछ समझना आसान है और कब मेरे लिए कुछ समझना मुश्किल है, right? So we are able to understand the institutional concerns, we are able to understand what is really happening. So for all these reasons, one cannot emphasize enough कि language कितनी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हर लैंग्वेज क्योंकि कल्चर से जुड़ी है, रीजन से जुड़ी है, हर लैंग्वेज में कोई ऐसा नॉलेज है जो दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, राइट? तो लैंग्वेज अगर जाती है उसके साथ ज्ञान भी खत्म होता है, बिल्कुल। हम जैसे हम हिंदी में या इंडियन बहुत सारे लैंग्वेजेस में, यू नो द वे वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, मेरे लिए पापा के लिए एक शब्द है, पापा के बड़े भाई के लिए अलग टर्म है, पापा के छोटे भाई के लिए अलग टर्म है, माँ के भाई के लिए अलग टर्म है। तो सोशियोलॉजिकल, यू नो, किनशिप का जो थ्योरी इस लैंग्वेज से आ पाएगा वो इंग्लिश से नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, राइट? और जो जो समुदाय पहाड़ों के पास है, जो यू नो वाटरवेज के पास है, वो अपनी भाषा में जिस तरीके से उस जगह के इकोलॉजी को समझते हैं, जितने शब्द उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो अगर उनकी भाषा जाती है उसके साथ वो ज्ञान भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। या आई थिंक बहुत ही बेहतरीन, यू नो बहुत सारी चीजें आपने एक्चुअली हाईलाइट किया शिवानी।
मुझे लग रहा है कि उसपे हर पॉइंट जो हर जो आपने आर्गुमेंट दिया है उसपे बहुत सारी चीजें और चर्चा हो सकती है, पर मेरे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहा जैसे आपने बताया एक जो साधारण में जो एक समझा जाता है भाषा जो है हमारा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है वो नहीं, जो आपने एम्फसाइज किया सोचने का जो है वो माध्यम है, और जब हम क्लास में उस भाषा को नहीं लाते हैं तो बच्चे को कैसे सोचने से ही वंचित करते हैं और एक अस्तित्व पे कैसे आप सवाल लाते हैं और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है जैसे आपने बोला इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए क्रिमिनल, यू नो इट्स क्रिमिनल एक्टिविटी दैट वी आर डिनाइंग देम द राइट टू थिंक द राइट टू एक्सप्रेस। सो आई थिंक इसको आगे लेते हुए मैं सर से ये पूछना चाहूंगी कि महेंद्र कुमार मिश्रा जी अगर आप ज्वाइन कर पाए हमें आपसे ये पूछना है कि हम यहाँ पहुंचे कैसे, यू नो हाउ डिड वी रियली अराइव इट हियर, क्योंकि हम बोलते हैं हमारा एक बहुभाषी राष्ट्र है इतने सारी भाषाओं की मैंने तो गिनती कर दी, उसके बावजूद हम आज इस मोड़ पे क्यों पहुंचे हैं कि हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं जब हमारी शिक्षा नीतियों में भी बोला गया है कि हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना है, तो किस दबाव पे है और क्या प्रक्रिया है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, और पर हम देख रहे हैं कुछ लास्ट कुछ साल से हमें काफी ज्यादा मदद मिल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और मुझे लग रहा है कि जो हमारी MLE पॉलिसी है उससे भी हम मदद ले पा रहे हैं, बिकॉज इट्स गिविंग अस एटलीस्ट सम लेजिटिमेसी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क इन द स्टेट, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी कैन सी कि अगर हम बाकी स्टेट में एज ए नेटवर्क हम आ सकते हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं उस पर हमें एक वे फॉरवर्ड शायद हो सकता है। सो थैंक यू फॉर दैट। नाउ आई विल गो टू शिवानी, एंड शिवानी आपने तो इस पे काफी काम किया है और ये कहीं ना कहीं एविडेंस की तो अभी आवश्यकता नहीं है कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो हमेशा बेहतर साबित हुआ है बच्चे के लिए स्कूल के उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, तो उसके बावजूद भी हम क्यों फिर वापस चले जा रहे हैं जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो डोमिनेंट लैंग्वेज में हो जा रहा है। महेंद्र मिश्रा जी ने जरूर इसकी जो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, बट इफ यू कैन रियली गिव अस लिटिल मोर इनसाइट दैट विल बी हेल्पफुल। देखिए एक महत्वपूर्ण रीजन इसीलिए मैंने जब अपनी बात रखी थी तो ये कहा था कि सभी की भाषाओं को शुरू से आगे तक रखना बहुत जरूरी है। जिन भी लोगों ने फील्ड पे काम किया है वो सब जानते हैं कि देखिए अगर आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस में रहेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि पेरेंट्स गार्डियंस टीचर्स भी एक एंजाइटी महसूस करेंगे, राइट कि अगर आगे जाके बच्चे को हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ अंग्रेजी में या हिंदी में या उड़िया में मिलेगा तो फिर वो मातृभाषा को सिखा के कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट इंडिया के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें देन आई थिंक अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ हायर एजुकेशन एक्चुअली इज एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश, ठीक। तो जब आप आगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उन लैंग्वेजेस में नहीं कंटिन्यू करेंगे तब तक पेरेंट्स और देखिए लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का पावर से बहुत गहरा संबंध है, ठीक। जिन लोगों का लैंग्वेज डोमिनेंट लिस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाया है, शेड्यूल लिस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन पाया है, वो पावर को भी कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स नहीं है। तो ये उन तबकों को एंशियस फील करना कि अगर हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं होगी तो हम ये नहीं हासिल कर पाएंगे बहुत स्वाभाविक है, यू नो एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम रादर देन थिंकिंग कि ये लोग जानते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते हैं और शायद हमसे बेहतर समझते हैं। इसीलिए कोई भी अर्ली ट्रांजिशन प्रोग्राम्स या ट्रांजिशन प्रोग्राम्स अपने आप में एस्टैब्लिश करते हैं कि मदर टंग का यूज सिर्फ मेन स्ट्रीमिंग के लिए है,
मदर टंग का यूज सिर्फ है कि वो डोमिनेंट लैंग्वेज तक सेंसिटिवली ले जा पाए. अब हम जोर जबरदस्ती करके आपको डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, हम आपके ही मदर टंग को यूज करके बहुत सेंसिटिवली सिखाएंगे, लेकिन सीखनी तो आपको वही पड़ेगी. तो जब तक लैंग्वेजेस आगे तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम ट्रांजिशन मॉडल्स को छोड़ के मेंटेनेंस मॉडल्स की बात नहीं करेंगे. हम हायर एजुकेशन और रिसर्च और लैंग्वेजेस में एक्सपैंड नहीं करेंगे, तब तक ये एंजाइटी रहेगी और ये एंजाइटी जस्टिफाइड है. राइट, यहाँ पे इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हायर एजुकेशन का एक्सेस भी इंग्लिश सेंट्रिक ना रहे. और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, उड़ीसा में महेंद्र जी ने काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है शुरू में, क्योंकि मैं एज अ रिसर्चर जो वो काम कर रहे थे उसको डॉक्यूमेंट की हूँ. शुरू में जब हम यू नो एमएलई स्कूल शुरू हुए थे, ये आंध्र में भी उड़ीसा में भी जब हम जाते थे, तो बहुत बार कम्युनिटी इंटरेक्शन में कम्युनिटी के लोग खुद इस चीज पर भरोसा नहीं था, या नॉट एवरीबडी वॉज हैप्पी दैट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. कुछ लोग एकदम खुश थे, कुछ लोग शायद नहीं भी थे. लेकिन यू नो मैंने 2009 से जाना शुरू किया था, 2013-14 तक मैं गई हूँ, और उसके बाद 2017-18 में भी गई हूँ. 3-4 साल बाद जाके वही लोग अब डिफरेंस देख पाते थे अपने उस बच्चे के पढ़ाई में और सीखने में जो डोमिनेंट लैंग्वेज स्कूल में पढ़ रहा था, और ये बच्चा जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्कूल में जा रहा है. मैंने अपने फील्ड वर्क के दौरान ये तक देखा है कि बच्चों को माता पिता ने किसी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है. ये मैं पार्ल खेमुंडी की बात कर रही हूँ, उस ब्लॉक के किस कुछ गांव की बात कर रही हूँ, और बच्चों ने जिद करके दोबारा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्कूल्स में आए हैं कि यहाँ पे समझ में आता है, यहाँ पे हमको लगता है कि हम भी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो कम्युनिटी को भी देखिए समझ, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन को बाकी लैंग्वेजेस में भी इंश्योर करना पड़ेगा. अदरवाइज ये वाला जो एक कमेंट है कि आप अपने बच्चों को तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों पे आप हमारा मदर टंग इम्पोज करेंगे, ये एंजाइटी एकदम लाजमी. और एक चीज में जो एक लास्ट पॉइंट छोटा सा जरूर बोलना चाहूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फॉर ऑल, राइट, आप अगर देखेंगे यू नो ओनली द प्रिविलेज्ड कैन अफोर्ड टू बी मोनोलिंगुअल्स. मैं हर साल, जैसे आपने कहा कि मैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे कुछ कोर्सेज ऑफर करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट्स हर साल एक लिंग्विस्टिक सर्वे करते हैं दिल्ली के ही स्टूडेंट्स पे, और जो हमने पाया है कि मोनोलिंग्वल्स इंडिया में वैसे बहुत कम है, पर जो मोनोलिंग्वल्स आज के जमाने में हैं भी वो उन परिवारों से आते हैं जिसमें माता पिता भी अंग्रेजी में बोलते हैं, एंड देर आर नो मोनोलिंग्वल्स क्योंकि स्कूली शिक्षा में उनको थोड़ा बहुत हिंदी या कोई और लैंग्वेज तो पढ़नी होगी, बट मोनोलिंग्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर कंफर्टेबल, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस एट ऑल. The burden of multilingualism is on the one who's the most distant from the dominant language, right? So if I'm not an English speaker, अगर मैं हिंदी मातृभाषी हूँ तो मुझे अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हिंदी मातृभाषी भी नहीं हूँ, मेरी मातृभाषा कांगड़ी है, इसलिए मुझे हिंदी और अंग्रेजी तो और सीखनी पड़ेगी. उड़ीसा में जो सौरा ट्राइब का है उसको सौरा के साथ साथ उसको उड़िया हिंदी और इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी. तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि मोनोलिंगुअल लोग ही पावर में है और उनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, सबसे ज्यादा बुद्धि का काम, सबसे ज्यादा कॉग्निशन तो वो लोग कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज सबसे डिस्टेंस पे है, राइट. सो व्हाई शुड द बर्डन ऑफ मल्टीलिंगुअल बी ओनली ऑन द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आपको मेन्स मतलब एलीट स्कूल्स में, सब स्कूल्स में आपको हर एक को पुश करना पड़ेगा मल्टीलिंगुअल स्पीकर बनने के लिए, तभी अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएंगी एंड द मोनोलिंगुअल स्पीकर्स विल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर प्रिविलेज, राइट. सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. लैंग्वेजेस हैव टू बी कैरीड ऑन टिल हायर एजुकेशन, एटलीस्ट एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल टू बिगिन विद, एंड देयर हैव टू बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंश्योर्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, अदरवाइज देन देयर इज अ हिपोक्रेसी. यस,
या वेरी वेल सेड शिवानी, एंड आई थिंक आप बारंबार वही बात हमारे साथ लेके आ रहे हैं, वो जस्टिस वाली और जो राइट्स और जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर रही हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज यही है कि आप जिस जगह को जाते हो उसी जगह का एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच बनाओ और वहां पढ़ाओ, नहीं तो किसी दूसरे थ्योरी लेने से हो सकता है फिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यस बट यस सर, एक्चुअली आपका जो शब्द है ना, भाषाएं एक दूसरे के शत्रु नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ताली मिला है सर। सो वेरी और मुझे अच्छा लगा कि हम जो एनिमिटी से निकल रहे हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है, ये बहुत बेहतरीन वे है। बट आई थिंक आप जो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर हम सबको उस पर गौर करना चाहिए। आई थिंक शिवानी वॉन्ट्स टू मेक ए पॉइंट, एंड शिवानी यू मेक ए पॉइंट, देन आई विल गो टू अंजलि, एंड अंजलि आई विल गिव यू 2 मिनट्स। पहला तो मेरा ये था कि देखिए हम इसीलिए हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की जो बात करते हैं, बहुत बार हम थ्योरी में फंस के कई बार ये भूल जाते हैं कि अगर हम रोजमर्रा का जिंदगी देखें तो लोग मल्टीपल भाषाओं के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, सीखते हैं। किसी एक जगह अगर दो भाषाएं बोली जा रही हैं तो उन दो भाषाओं में भी संवाद हो रहा है। So it's very unlikely that I'm living in a place where 3 languages are being spoken and I just can't make sense of it. You know, आप बच्चों को अलग अलग भाषाओं के बच्चों को साथ में बिठा के देखिए और आप देखिए वो कम्युनिकेट करेंगे, लिंक लैंग्वेजेस बन जाएंगी। लैंग्वेजेस आर एक्टिव लिविंग concepts. They are not static, they are not frozen, they pick from one another. तो बहुत इसमें फंसने का जरूरत नहीं है। You know, we have to learn from what is out there, then impose something on it. Second point which I wanted to make in response to, you know, when we were talking about English education and why is there a reservation around it. See, I also want to bring the issue of public and private education. Jab tak hum education ko commodity ki tarah bechenge, तब तक कंज्यूमर प्रधान है, और कंज्यूमर चाहे उस चीज को समझे ना समझे, हमको वो बेचना है जो बिकता है। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बिकता है, राइट? उसमें अब हमेशा जैसे कृष्ण कुमार कहते हैं कि व्हाट इज वर्थ टीचिंग, आप हमेशा स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे ना, एज अ टीचर यू विल आल्सो हैव टू टेक अ कॉल ऑन व्हाट मे बी वर्थ टीचिंग। सो इफ वी थिंक ऑफ अ पब्लिक एजुकेशन, you know, where it is not consumer driven, matlab it is driven to empower them but not as a service jisme jis cheez ka demand hai wo waise jayega, tab tak bhi hum isko nahi badal payenge, kyunki abhi aap dekhiye mother tongue based education ya multilingual education sirf public schools mein hai ya bahut kam non governmental organizations jo profit ke liye nahi chal rahe hain. Profit making is what is also driving in the English market, understood and placed in this context. Just that. Thanks, Rita, yeah, for giving me this. Thank you, Shivani. I think Anjali wants to say something. Anjali, go ahead. Unmute yourself. Oh, Shivani, now over to you. Okay, yeah. Thanks, Rita. मैं यही कहना चाह रही थी, यू नो, किशोर जी का सवाल भी पढ़ा कि अल्टीमेटली बात वही है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की कौन से प्रिंसिपल्स पे करेंगे। सिर्फ यू नो आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आइडेंटिटी एक को एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज के स्वरूप में और आइडेंटिटी का असर्शन विजवी अदर आइडेंटिटीज, दीज आर ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ आर टाइम। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का इमेजिनेशन अगर हमारा सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, बोथ इन एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ से आएगा, तो इसमें आइडेंटिटीज का एग्जिस्टेंस, उनका यू नो स्ट्रेंथनिंग होना किसी के लिए भी खतरे की बात नहीं होगा, राइट? लेकिन और इसमें ये चीजें सच में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर हम अगर इस सवाल को यू नो इस सवाल को हम एकदम एक सोशल जस्टिस के उससे भी बोल सकते हैं, और लैंग्वेज के सवाल को एकदम लिंग्विस्टिक पोजिशनिंग से भी बोला जा सकता है। तो आज के टाइम पे इस सवाल को सही सतह पे खड़े होके पूछना भी बहुत बहुत जरूरी है, कि हम बहुत भाषाओं की बात कर रहे हैं, हाँ, हम भाषाओं के कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेजेस के जो हायरार्की है, एक लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज को चैलेंज करते हुए लैंग्वेजेस की कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
और इसीलिए मुझे थोड़ा एनईपी जैसे डॉक्यूमेंट से संदेह होता है जब वो बोलते हैं कि सम यू नो आर लैंग्वेजेस आर ग्रामेटिकली बेटर और मोर साइंटिफिक बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट. सो आर pushing or are you know fighting for multilingual spaces and multilingual language has to come from a position of equality and you know coexistence with one another without hierarchy. Otherwise jo khatre ki baat jo Kishore Darak ji ne jis taraf humko point kiya wo fir usse joojhna mushkil ho jayega ki fir har ek language dusre language se ladega. तो इन्हीं सवालों पे अगर हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करें, इन प्रिंसिपल्स पे बात करें, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे बात करें, तो वो शायद इस मूवमेंट को आगे ले जाने में ज्यादा मददगार साबित होगा. थैंक यू सो मच शिवानी. एंड मुझे लग रहा है कि समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस चर्चा को हमें खत्म अभी करना चाहिए और ये बातचीत तो चलती रहेगी बट जैसे हमने बात की ये सिर्फ मदर लैंग्वेज मदर टंग जब बात करते हैं एक ही परिवार में मदर टंग्स है ना एक ही भाषा भी नहीं है तो अभी हर जगह पे हम एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं हर हर इंस्टीट्यूशन के अंदर चाहे वो परिवार हो समाज हो हमारी दफ्तर हो जहां भी हो तो आई थिंक हर जगह पे हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है और हम सब एक स्टेक होल्डर हैं हम इस पे क्या कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं खत्म करूं मैं आज की जो विनर है उनको अनाउंस करती हूँ. आई थिंक स्वयं प्रभा वॉज द विनर सी आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस जो हमने पूछा था 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं और कितनी मदर टंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 2001 की सेंसस के दौरान उनने सही जवाब दिया था. पहले का आंसर है 22 और सेकेंड का अराउंड 10,000 लैंग्वेजेस. तो स्वयं प्रभा को बहुत सारी बधाई. और ये जैसे मैंने बताया एक प्रयास था हम लोगों का कि हम कैसे जो प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम तो अपनी अपनी छोटे छोटे संस्थाओं में जैसे उन्होंने बोला प्रिय संघर्ष करते रहते हैं महेंद्र जी ने जैसे बताया पर साथ में हमें एक मैक्रो लेवल पे भी आने की जरूरत है. और जैसे अंजलि ने बताया कि जरूरी नहीं कि संस्थाएं ही आए व्यक्ति भी आए हर रिसर्चर भी आए हर प्रकार के लोग हैं और जैसे मेरे जैसे जो एमएलए से बहुत कम जिनको नॉलेज है उस तरह के लोग भी जुड़े तभी जाके सबकी जब एजेंडा बनेगा तभी आगे हो पाएगा. सिर्फ एमएलए के कुछ ही लोगों को लेके अगर हम एमएलए की बात करेंगे वो आगे शायद नहीं चलेगा. तो इसलिए मैं उस इग्नोरेंस के साथ भी मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि हमें लाने की इकट्ठे आने की भी ज्यादा जरूरत है और ये एक छोटी सी प्रयास थी हमारी तरफ से. आप सबने इतनी बेहतरीन पार्टिसिपेट किया और आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड इट्स विथ दिस एनकरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम महेंद्र जी एंड शिवानी आई थिंक वी शुड डेफिनेटली कंटिन्यू दिस स्ट्रगल. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल पैनलिस्ट हिमांगी शिवानी महेंद्र जी एंड रूपेश फॉर देयर टाइम एंड वैल्यूबल इनसाइट्स एंड स्पेशल थैंक्स टू उन्नति टीम एंड पतंग टीम फॉर पुटिंग ऑल दिस टूगेदर एंड थैंक यू वेरी मच. सो have a good day and see you soon. ek parting ye all of you and all in your organizations if you can take up as an each person learns one more language. Yes that's a good one. Ek screenshot bhi lete hain band karne se pehle taki ek photo bhi ho jaye hai na ले लो भाई कैसे लेते हैं मुझे ये सब चीजें पता नहीं है आप लोग ले लो. सो वीडियो ऑन करें तो ठीक रहेगा शायद. हाँ वीडियो अगर ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा एक फोटो ले लें. और स्वयं प्रभा आपको देख पा रही हूँ आपको इनाम मिलेगा मेरे तरफ से जब मैं जाऊंगी पतंग. थैंक यू रूपेश आप ले रहे हैं क्या फोटोग्राफ. Thank you, Rupesh. ये रिकॉर्डिंग किया है आई डोंट नो whether we recorded this or not. हाँ रुपेश आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. संतोष आप ही लीजिए. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.